आज मेरी बहन की एंगेजमेंट है और मैं घर जा रहा हूँ। मिस्टर कश्यप आते ही होंगे। शबनम है ना, उसे पता है क्या करना है। और तो तुम्हारे अलावा और किसी से हेयर कट नहीं करवाएंगे। इट्स ओके शीना, शबनम कर देगी। सुशी खाते हैं ना, वेज सुशी, इटालियन, मस्कियन, चाइनीज, व्हाट सब बना लेती है। सॉरी, ये देखिए मेरी बेटी रोनी लास्ट ईयर मिस पटवलगंज में रनर अप रही है। ओ नाइस। बेटा गुजराती ड्रेस में कितनी सुंदर लगी, और क्या ढोकला बनाती है, क्या गुजराती डिशेस बनाती है, कमाल के बनाती है। तुम उंगली चाटते रह जाओगे। देखिए एक सेकंड पर, मैं क्या करूंगा? देखिए मैं कोई कुक थोड़ी ढूंढ रहा हूं। हफ्ते में रोज तुम्हें हर रोज नई नई डिश खिलाएगी बेटा। एक सेकंड, दादी ने भेजा ना आपको यहाँ पे? हद करती है दादी, कहीं पे भी रिश्ते भेज देती है। रिमूव दिस फोटो को, छोड़ो। एक काम करता हूँ, मैं रोहिणी को लेकर सीधा तुम्हारे घर आ जाता हूँ। व्हाट, आपका दिमाग तो ठीक है ना? देखिए मिस्टर, जो भी आपका नाम है, आप फालतू में अपना और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मुझे किसी से शादी नहीं करनी, इनफैक्ट मुझे शादी ही नहीं करनी है। लिसन, इसमें गलती आपकी नहीं है, गलती तो मेरी है। मुझे एक्चुअली पब्लिक में एक नोटिस इशू कर ही देना चाहिए कि कश्यप परिवार से दूर रहिए, क्योंकि इन सब पे ना ईशान की शादी कराने का भूत सवार है। तो सॉरी बेटा, सॉरी। क्यों नहीं समझते ये लोग, मैं फिर से शादी नहीं करूंगा, कभी नहीं कर सकता। के लिए बहुत अच्छा है, फिर तो ऑर्डर कर ही देती हूँ ये रूसी परवल का जूस है। और क्या करूँ, अरे पलाजो वाली कुर्ती, हाँ ये भी कर देती हूँ, बुढ़ाओ तो पहचानेंगे ही नहीं मुझे। माँ, ये क्या ऑर्डर कर दिया आपने? अरे बहू, इसको तो अब हिंदुस्तानी नाम भी मिल गया है, कमलम डरागन नीराब। ये तो डरावना लग रहा है बिल्कुल। बड़ी, इसमें ना एंटीऑक्सीडेंट भी है और ये इम्यूनिटी के लिए भी बड़ा अच्छा है। सबको खिला दो। आप ही खाइए, लीजिए। अरे ये ईशान क्यों फोन कर रहा है सुबह सुबह मुझे? हाँ, जैसे कि आपको पता ही नहीं माँ। मिस्टर मेहरा, आप भी कमाल करती है माँ, आपने लड़की के बाप को ईशान से मिलने के लिए सलोन भेज दिया और अब फोन नहीं उठा रही है ना। अब देखिए आने के बाद कितना चिल्लाएगा वो। तो क्या करूं मैं, सब लड़कियों को रिजेक्ट कर देता है, एक फोटो तो देखने को तैयार नहीं है। ऐसे कैसे होगी शादी भला? होगी माँ जब होनी है, पर इस तरह बिल्कुल नहीं होगी। और वो निकिता के घर वालों ने मना भी नहीं किया अभी तक, और आप पीछे पड़ गई हैं। अरे ना ही होगी, तू देखियो है, जब अकेला लड़की के साथ जाता है ना, पता नहीं क्या बोल देता है या डरा देता है, इनकार ही हो जाता है। लेकिन मैंने भी ठान ली है, जब तक ये हाँ नहीं करेगा मैं लगी रहूंगी। हाँ, मैं बस एक बात से परेशान हूँ माँ, क्या ईशान तैयार है सुहाना को भूलकर आगे बढ़ने में? हम जबरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं ना उस पर? बड़ी वो ना बस जिद्दी हो गया है, जबरदस्ती के बिना मानेगा नहीं। एक बार शादी हो जाएगी सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी अभी उसका प्रमोशन होगा और वो सिंगापुर चला जाएगा, तो फिर तो और भी स्यापा। इसीलिए तो जरूरी है कि शादी हो जाए, यहाँ तो हम सब है उसका ख्याल रखने के लिए। अरे विदेश में कौन ख्याल रखेगा मेरे बच्चे का? बड़ी माँ, दादी, मतलब हमारी कश्यप फैमिली भी ना बड़ी अजीब है। पहले जब ईशान भाई को सारी लड़कियाँ शादी के लिए मना करती थी तब भी हमें प्रॉब्लम थी, और अब जब ईशान भाई सारी लड़कियों को मना कर रहे हैं तो भी हमें प्रॉब्लम है। मतलब हम चाहते क्या है? हम तो बस इतना ही चाहते है बेटा
ईशान सुखी रहे, इतनी सी बात। कर दूं ऑर्डर रूसी परवल का जूस? हाँ। ये सुहाना को बुलाओ। साहू जी क्या चाहिए आपको, मुझे बताइए, मैं लाकर देती हूँ। नहीं, एक बड़ी मजेदार खबर छपी है। अच्छा? एक आदमी ने तीन तीन शादियां की और उसकी तीनों बीवियों ने उसको मिलकर कूट डाला। आराम से बाबूजी। क्या हुआ बाबूजी? क्या क्या कह रहा था मैं? कुटाई, तीन बीवियों ने मिलकर बहुत बड़ी कमाल की खबर है, तीनों ने कूट डाला। सुहाना सुनेगी तो बहुत खुश होगी। मैं देखूं सुहाना? बाबूजी बाबूजी, वो सुहाना ना बाहर गई है ना, वो आएगी तो मैं बता दी। मैं देख लेता बाद। दादाजी वो कॉमेडी मूवीज आपने बोला था ना, आपको कॉमेडी मूवीज देखनी है, मैंने सारी डाउनलोड कर ली है। हम एक काम करते ना, आपके कमरे में जाते हैं, आराम से लेट के जाएंगे। कॉमेडी मूवी देख। कॉमेडी है? सुहाना को साथ पिक्चर, सुहाना को ये, सुहाना को वो। जब से ये बीमारी लगी है ना, बेचारे सुहाना को ही ढूंढते रहते हैं। माँ बस आप ये सोचिए कि वो भूल रहे हैं ना, यही शायद अच्छा है। सोचिए अगर उन्हें याद रहता कि अब वो नहीं है तो कितना दुख होता उन्हें। आप चिंता ना करें, हम जल्द ही ले आएंगे किसी को जो बाबूजी के साथ हंसेगी, बातें करेगी, पिक्चरें देखेगी। फिर शायद धीरे धीरे बाबूजी सुहाना को ढूंढना कम कर देंगे। ओ रजनी भाभी, जल्दी से लाइए ना खाना, बहुत भूख लगी। दीशु क्या है? अरे ये भूख नहीं है, 3 बजे मैच शुरू होने वाला है ना। और सुनो, जब तक घर के सारे मेंबर नहीं आ जाएंगे ना, किसी को खाना नहीं मिलेगा, ठीक है? यार भाभी आप भी। अरे भाई मैच है आज, मैच है, खाना नहीं दे रहे। बगैर खाना नहीं दे रहे? बोले ना, छोड़ो भाई, आज मैच देखेंगे, सिंगापुर की बैटिंग देखने में मजा आ जाएगा। दादाजी आज सिंगापुर की नहीं, हमारे इंग्लैंड के साथ मैच है हमारा। मैंने क्या बोला? आपने बैंकॉक बोला। छोड़ो यार। अरे भाभी, अरे वाह वाह, थैंक यू छोटी मामी, मुझे इतनी भूख लगी है। अरे क्या हो रहा है? अरे ये पूरी प्लेट खा चुका है। अरे पकौड़े देख के याद आया, गोलू का है अपना। गोलू? खबरदार किसी ने गोलू का तो खाते पीते घर का बच्चा। चल पकौड़े खा मेरा बच्चा, खाते पीते फिलहाल तो भूखे घर का बच्चा लग रहा है। क्या पकौड़े ले लिए एक साथ? ये बाप पे क्या? चुप चुप, जा 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 मम्मी के पास जा। मीठी मीठी बाय, कहाँ जा रही हो? अरे ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? मम्मी मम्मी आपको बताया था ना, लंच पे जा रही हूँ फ्रेंड्स के साथ, आज जाने दो ना प्लीज। अच्छा कुछ नहीं बताया बेटा तुमने मुझे। बेटा संडे है ना, फैमिली के पूरे लोग यहाँ बैठे खा रहे हैं। अच्छा यार सुनो ना, खान मार्केट में ना एक नया इटालियन रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, फैसला जाने आज मिलते हैं वहाँ पे, प्लीज लेट मी गो टुडे प्लीज। मैंने कहा ना नहीं। अरे चल प्लीज मम्मी। दिशा चाची, दिशा चाची सुनो ना, मम्मी को बोलो ना प्लीज मुझे आज बाहर जाने दीजिए प्लीज ना। दिशा चाची ओ तुम बाहर जा रही हो? हाँ। लो मैंने तो तुम्हारी फेवरेट दही भिंडी बनाई थी आज। चाची यार ओके फाइन, लंच घर पे करूंगी। बट सुनो मम्मी, लंच तो घर पे कर रही हूँ पर शाम को बाहर जाऊंगी। डील? मम्मी कहीं नहीं जाओगी तू? पापा यहाँ पे डील नहीं बल्कि मील होता है, समझी? बुआ वेरी फनी, आपको तो देख लूंगी। बुआ क्या देख लोगी? दादी क्या हुआ? अरे व्हाट इज हैपनिंग, आपने उस आदमी को सैलून भेज दिया? अरे हद करती हैं आप। कर लो बात है, तू कहीं और टिक्के भी बैठता इतनी देर, कहाँ भेजती उसे? मैं ऐसे कैसे लड़कियां दिखाऊंगी मैं से? अरे बाल कलाकार बात बताओ, बाल कटा के आए हो? अरे तभी मैं कहूँ बल्ली का चांद बदला बदला क्यों नजर आ रहा है? अरे आप आपको पता है वहां पे वो आदमी सबके सामने अपनी बेटी की तस्वीर दिखा रहा था, अरे कितने एम्बैरेसमेंट होता है पता है? एक मिनट, लेकिन तू ये सूट पहन के बाल कटाने क्यों गया था? क्या तुम नहीं समझोगे, मैं सूट के साथ बाल मैच होने चाहिए। अरे मैच ही करना है तो बाल भी ब्लू कर लेता। हाँ आप लोग करके हंस लो, आप लोग को हंसने झेलना मुझे पड़ता है।
आपको पता है आज ऑफिस के टॉयलेट में जब एक आदमी हैं क्या राइट कान में कम सुनाई देता है लेफ्ट में बोल अरे आज ऑफिस के टॉयलेट में एक आदमी अपनी बेटे की फोटो लेके आ गया था अब ये किसने किया था हु डिड दैट जेंट्स टॉयलेट में लेडीज फोटो अच्छा अच्छा ओके ओके रिलैक्स बेटा रिलैक्स शांत हो जा देख तू कि लंबी सांस लेगा ना तो सब ठीक हो जाएगा ओके अरे अभी मैच के यहाँ पे शुरू होने वाला है और तू क्या ऐसी टेंशन ले रहा है पापा अरे मैच है भाई मजा आ जाएगा हॉलैंड की बैटिंग देखने में हॉलैंड अरे कोई सीरियसली नहीं ले रहा बात को मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोग क्या बात कर रहे हैं बस हो गया आइंदा से कोई भी शादी की बात नहीं करेगा और ऑफिस में पता नहीं आप लोगों को बट वहां पे मेरी बहुत इज्जत है अरे क्या हो रहा है यहाँ हाँ क्या हो रहा है ईशान बेटा तू नीचे क्या कर रहा है अरे फील्डिंग कर रहा था बाबूजी चल बेटा ईशान खाना खा ले सब लोग इंतजार कर रहे हैं तेरा बड़ी माँ मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ हाँ आ जा जल्दी आ जा तुझे पता है ना इतवार के दिन दोनों टाइम का खाना पूरा परिवार इकट्ठे करते हैं और हाँ कह देती हूँ आज शाम को ना खाने में ईशान के पसंदीदा राजमा चावल ही बनेंगे कितने पसंद है मेरे बच्चे को बड़ी माँ वो आज डिनर के लिए मैं घर पे नहीं रहूंगा तो सर योर डेजर्ट अब तिरामिसु और बिनोफी राइट यस सर एक नहीं दोनों यहीं पे रख दीजिए थैंक यू यहाँ का तिरामिसु टेस्ट करो यू विल लव इट ओएमजी आयशान 620 कैलोरीज खिला के तुम्हें लगता है मैं खुश हो जाऊंगी अरे तुम ही तो कहती थी ना कि ईशान कश्यप तिरामिसु की कैलोरी गिनना गुनाह है फिर हाँ फिर तुम्हें पता ना मुझे ट्रेन में कितना भागना पड़ेगा इसे अपने वेस्टलाइन से हटाने के लिए प्लीज एक बार ट्राई तो करो आए वाह तुम मेरे साथ ऐसे क्यों करते हो वंस वंस अरे टेस्ट करो क्या कुर्बानियां देनी पड़ती हैं प्यार के लिए अच्छा ठीक है फिर मत खाओ बड़े स्मार्ट रखो बड़े स्मार्ट बन रहे हो नया हेयर स्टाइल एंड एवरीथिंग यूनिसेक्स सैलून से करा के आए हो अरे तुम्हें कैसे पता मुझे सब पता है किसी लड़की ने करवाया होगा ना तुम्हारा बोरिंग हेयर स्टाइल चेंज बड़ी स्मार्ट निकली उसने चेंज करवाया और तुम मान भी गए अरे ऐसा नहीं है वो मैं मान गया तो उन्होंने कहा कि थोड़ा ट्राई अब मुझे समझ में आया तो तुम मुझे ब्राइब कर रहे हो तुम्हें क्या लगता है मैं इस तिरामिसु से मान जाऊंगी अरे क्या बोल रही हो ब्राइब ब्राइब क्यों करूंगा मैं तुम्हें नो नथिंग लाइक दैट ये तो कुछ ऐसे ही है तुमने वो रिश्ता क्यों ठुकरा है तुम्हें पता है वो लड़की के पापा सैलून में बैठ के मैनिक्योर पेडिक्योर हेड मसाज उनके कितने पैसे वेस्ट हो गए और रिश्ता भी रिजेक्ट हो गया वेरी बैड शान सुहाना तुम्हें पता है ना कि ये मुझसे नहीं होगा मैं शादी नहीं करूंगा मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था भूल गई ईशान मैं वो प्रॉमिस करते वक्त सीरियस नहीं थी मैं सीरियस था सुहाना मुझे इतना तंग क्यों करते हो गॉड ईशान ओके मैंने तुमसे प्रॉमिस करवाया था अब मैं तुम्हें उस प्रॉमिस से आजाद करती हूँ ईशान कश्यप तुम दूसरी शादी के लिए आजाद हो यू फ्री 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 नहीं होना है मुझे आजाद ना अभी ना कभी भी
मैं अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही बिता सकता हूँ बिना प्यार के। प्यार तो है ना मेरे पास, मेरे लिए यही काफी है। और साथी? साथी नहीं चाहिए तुम्हेशा, साथी भी तो चाहिए ना, जो तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे दिल के करीब, तुम्हारा हाथ थामे, तुमसे बात करे, तुम्हें चाहे और तुम उसे चाहो। मेरे दिल ने सिर्फ तुम्हें चाहा है सुहाना, और किसी के लिए जगह नहीं है मेरे पास, ना मेरे दिल में और ना मेरी लाइफ में। और ये शादी पे लेक्चर देना बंद करो यार, घर पे भी 24 घंटे बस यही चलता रहता है, ईशान शादी कर लो, ईशान शादी कर लो। बैठ जाओ, तिरुमिसु खाते बनौफी खाएंगे, बैठो। तुम रजनी दीदी और इलेश भैया के कैफे में नहीं गए? अरे नहीं नहीं मैं जाऊंगा। तुम्हारे क्लाइंट्स तुम्हें फुर्सत ही नहीं देते। देखो ऐसा नहीं है, टाइम तो भूल गया ना मैं, बड़ी माँ वेट कर रही होगी, चले। मुझे भी जाना है ईशान, तुम्हें मूव ऑन करना पड़ेगा, प्लीज मेरे लिए। ईशान, आधी रात तक काम कर रहे हो बेटा, सोओगे कब? ऐसे बीमार पड़ जाओगे बेटा। हाँ बस थोड़ा काम बाकी है, 10 मिनट। अरे 10 मिनट हो जाए अभी, मुझे पता है 10 मिनट बोलते बोलते ना पूरी रात काम करते बैठ रहेगा, कुछ नहीं। अच्छा ईशान, ये तुम्हारी ऑफिस का वो सिंगापुर का कुछ था ना, वो क्या हुआ, तय हुआ कुछ? हाँ अभी नहीं, बट वो हो जाएगा ना। तो एक काम कर, तेरे साथ साथ मेरा भी वीजा करवा लेना। हाँ तू वहां भी तो ऐसे रात रात भर जागता रहेगा, खाने पीने की सुध-बुध नहीं रहेगी, तो कोई तो रोक टोक करने वाला होना चाहिए ना। करवा लेगा ना मेरा वीजा? सुना है बड़ा अच्छा शहर है, चाइनीज भाषा बोलते हैं ना, सीखूंगी मैं वहां पड़ोस की आंटियों के साथ बात करूं। आपको एक्टिंग नहीं आती है बड़ी माँ, तो क्यों ये सब नाटक कर रही है? सीधे सीधे कह दीजिए कि क्या कहना है। 7 साल हो गए हैं ईशान, तू बताइए कब तक चलेगा? वो नहीं है अब, पर तेरी तो पूरी जिंदगी पड़ी है ना, हम सफर तो सबको चाहिए होता है बेटा। बड़ी माँ को पता है ना कि आपकी कोई बात नहीं टालता हूं मैं, इसीलिए तो शादी के लिए यहां कह दी है मैंने। अब मैं कोशिश कर रहा हूं बड़ी मां, मैं लड़कियों से भी मिल रहा हूं, पर नहीं हो रहा है मुझसे, नहीं हो रहा है। किसी और के साथ जिंदगी मतलब साथ रहना ये नहीं हो रहा है, ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए। बड़ी माँ, अगर मैंने किसी लड़की को हाँ कह भी दिया तो ये तो गलत होगा ना, इट्स नॉट फेयर। मैं जानती हूँ बेटा, मैं जानती हूँ तुझ पर क्या बीत रही है परेशान, कोशिश तो करनी पड़ेगी ना, तू किसी भी लड़की से एक बार से ज्यादा मिलता भी नहीं है, ऐसे कैसे होगा? तू मौका दे ना उसको, खुद को भी, हो सकता है कोई लड़की शायद पसंद आए तुझे। बड़ी माँ, आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है?
अकेले जिंदगी बिताना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है शान। ये बात तू मुझसे पूछ, मेरे पास तो पूरा परिवार है, तुम सब हो, पर हम हमेशा साथ थोड़ी ना रहेंगे। कल को जब हम नहीं रहेंगे। बड़ी माँ, क्या कह रही हैं आप? आइंदा से ऐसी बातें नहीं करेंगी आप। अरे नैना, अरे अभी तक तुमने मेल नहीं भेजा, द क्लाइंट इज वेटिंग। अन्ना जी एक बात बताइए, आजकल एक रुपए में मिलता ही क्या है? सॉफ्टी आइसक्रीम, इमाम वाला पान, कलाकंद बर्फी। और जी आपको याद है आप बचपन में हमारे लिए सॉफ्टी आइसक्रीम लेकर आया करते थे। अच्छा नैना, मेरा मलवाई है ना। नैना ठीक है, तुम मुझे मेल कर दो, मैं क्लाइंट को मेल कर दूंगा। हाँ ओके। कहाँ कहाँ गंगाराम है कहाँ आजकल? बड़े चलो छाया नहीं जी, उनका तो पिछले साल ही क्या मतलब ट्रांसफर हो गया। हलवाई का ट्रांसफर? अरे आप परोठा खाइए ना बाबू जी, आप अरे बातों में ऐसे कैसे छीन सकते हैं? हैं अब कॉन्ट्रैक्ट कर क्या कर ए ए क्या कर रही है तू इशिका, क्या कर रही है तू उसके लिए? व्हाट नॉनसेंस, क्यों से करवा कर? मैं अभी लाती हूं करवा कर। ओके ओके बाय बाय। इलेश इलेश जल्दी चलो, देर हो गई है। अरे 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 कब का रेडी हूँ यहाँ पे, तुम्हारा वेट कर रहा था। जल्दी चलो, मैं स्कूटर निकाल के रखता हूँ। अरे भाभी मुझे आपको एक बात बतानी थी। हाँ? कुमारन सन्स में 50% सेल चल रही है। क्या बात कर रही है? बहुत प्यारे डिजाइनर कपड़े मिल रहे हैं। चले तो फिर लहंगा चोली वहीं से देख लेंगे, और उसके बगल में जो ज्वेलर शॉप है ना वहाँ जाकर हम लोग झुमके भी देख लेंगे। कम ऑन गाइस, घर में स्टाइलिस्ट है और आप ये करोल बाग छाप टाइप्स वाली ज्वेलरीज और कपड़ों में इंटरेस्टेड हो, मुझसे पूछो शॉपिंग कहाँ करनी है। आई विल टेल यू। नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए तुम्हारे वो फिल्मी लहंगे। अब सुनिए वो उसका क्या हुआ हॉल का? तुम डिसाइड तो करो ना पहले। अगर डिसाइड कर लोगे तो मैं वो हाईवे वाला हॉल बुक करा सकता हूँ। अरे तो करा ले ना, किस बात का इंतजार कर रहा है? तो ए, ए, एक मिनट, क्या क्या बातें हो रही है? हाँ कुछ नहीं। क्या? अरे क्या हुआ भाभी, आप क्यों हंस रही है? मैं कब से देख रहा हूँ ये कोई मतलब लहंगा शॉपिंग की बात कर रहा है, कोई ये अंडे वंडे। और इंदर भैया आप क्या बात कर रहे हैं कि हॉल बुक करा दूं? किसका क्या ये देखो क्या कोई सीरियसली ले नहीं रहा? दादाजी ये लोग किसकी शादी की तैयारी कर रहे हैं? मेरी। दादाजी आपकी शादी तो कब की हो चुकी? किससे? इनसे। लो तेरी। हा? और क्या मैं दोबारा करूंगी इस बुढ़ाऊ से शादी? एक मिनट क्या मेरी शादी किससे? क्या हुआ ईशान, किसी ने तुझे बताया नहीं? नहीं लो ईशान को तो पता ही नहीं है। अरे आप हंसना बताओ क्या हो रहा है ये सब? अरे निकिता के पापा ने हाँ कर दी है। अरे नहीं हाँ कैसे कर सकते हैं पापा, ये पॉसिबल ही नहीं है, वो हाँ नहीं कर सकते। मैं बताऊँ ऐसे लगा कि हो ही नहीं सकता लेकिन हो रहा है। और फाइनली ईशान की शादी हो रही है। हाँ कर दी। मैंने तो सोचा था कि ये तूने क्या? नहीं मैंने सोचा कि अब बिना खाए तो मुझे जाने नहीं देगी। बिल्कुल नहीं, मुझे निकिता से किसी भी तरह शादी के लिए ना करवानी ही होगी। तुमने हाँ कर दी। अच्छा
तुम्हें याद है ना उस दिन मैंने तुमसे कुछ कहा था कि मैं कभी भी हाँ मैंने सुना था पर मैंने ये थोड़ी ना बोला था कि मैं ना करने वाली हूँ मैं तो सिर्फ और सिर्फ टाइम ले रही थी सोचने का अरे तो सोच लेती और फिर मना कर देती है अरे यार व्हाट डू यू मीन बाय कि मना कर देती आई एम सॉरी प्रणीता लिसन निकिता या निकिता यू आर एन इंटेलिजेंट गर्ल देखो मेरी बात ना ध्यान से सुनना मैं अभी नहीं कभी भी बाप नहीं बन सकता हूं तो यू थिंक अगेन हाँ But that's amazing. मुझे बिना बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है मतलब नाक बहती रहती है यार सुसु पॉटी शी यार I don't want kids at all. अच्छा ओ तो तुम्हें बच्चे बिल्कुल पसंद ही नहीं है हाँ निकिता when I give it a second thought no मुझे तो बच्चे बहुत पसंद है What? हाँ, मैं बच्चे गोद ले लूंगा चार या पांच नो छः छः बच्चे छः ठीक है ना छः बच्चे हाँ, Are you going crazy क्या अरे ए, ए, एक मिनट Forget it. Listen, जोगी हाँ ना ठीक ओके क्या हुआ वो निकिता ने शादी से इनकार कर दिया क्या कहा था मैंने कि उसे अकेले मत मिलने दो लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी अरे अरे इतनी चिंता मत करो तुम ईशान के लिए उसके लिए बहुत अच्छी लड़की मिलेगी और तुम देखना वो लाखों में एक होगी माओ में उसकी उसे अकेला नहीं देख सकती और कब मिलेगी कब मिलेगी गोविंद लिसन मैं पैदल निकलता हूँ मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा तुम सुनो गाड़ी लेकर सीधा क्लाइंट के ऑफिस आ जाना ओके Excuse me. Hello, वो पटाखा